तो देख सकते हैं हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है सांप, मौका ही नहीं देते। एक और कैट स्नेक का रेस्क्यू करने का मौका मिल रहा है। एक मकान की एक लोकेशन है विराटनगर की, हमारे भाई साहब हैं संतोष जी सैनी, भाई साहब का दर्शन करो। संतोष जी सैनी है, इनके मकान से पहले भी हमने एक बार रेस्क्यू किया था, वो वुल्फ स्नेक था, लेकिन अब की बार एक कैट स्नेक है तो मिल गया, दिख गया हमें। काफ़ी सुंदर सांप आता है, स्मार्ट सांप है ये, हमला करने के लिए जाना जाता है, थोड़ा जहरीला भी है, हल्का जहरीला है। और ये हमला कर देता है तुरंत ही, हाँ चल जाए। अच्छा, वो जो पहले पकड़ने के लिए गदने में सांप बहुत ज़्यादा चढ़ता था, वो दीवार पे चढ़ने के लिए माही सांप। चलो हमने इसको पकड़ लिया, ये काफ़ी ऊंचाई तक हमला कर लेते हैं कई बार, और हो सकता है ये मेरे हाथ को भी काट ले। अब ये काटने की, ये इसकी काटने की ही रखीब है, जैसे कि शरीर के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हमला करने की मुद्रा में आ जाते हैं। अभी तो ये बस मुझसे किसी तरह छुड़ा के जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस डिब्बे में किसी ना किसी तरह से रख देता हूँ। चलो दोस्त से भी चले जाओ, अभी इसको जंगल में ले जाके कहीं अच्छी सी जगह पे, अच्छी सी लोकेशन पे इसको रिलीज कर देंगे। धन्यवाद करता हूँ इन भाई साहब का जिन्होंने हमें बुलाया है आज। ठीक है दोस्तों, इसको रिलीज़ कर देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस डिब्बे में है एक छोटा सा कैट स्नेक, काफ़ी खूबसूरत है और दिखने में काफ़ी डेंजरस है, और हमने इसको एक विराटनगर की लोकेशन से ही रेस्क्यू किया है, और अब इसको हम यहाँ रिलीज़ करने के लिए आए हैं। बहुत ही सुंदर सांप है ये, तो बहुत जल्द इसको थोड़ी सी छाया देख कर यहाँ रिलीज़ कर देंगे। गर्मी में अक्सर ये सांप हमें नज़र आ ही जाते हैं, तो हमारे पास हर जगह से आजकल पब्लिक काफ़ी जागरूक हो रही है जब से हमने ये काम शुरू किया है, तो इस सांप को फटाफट के अंदाज में यहीं रिलीज़ करते हैं। थोड़ी छाया देखकर, ये पहाड़ी क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे पीछे चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है, तो हम इस वन विभाग के इस वन्य क्षेत्र में इस प्राणी को रिलीज़ कर देंगे यहीं पर। ठीक है, तो इस खूबसूरत से दिखने वाले सांप को इस खूबसूरत जगह पर रिलीज़ कर देते हैं। ये एक छोटा सा सांप है, और आप नज़दीक से दिखाएंगे ज़रा, आप इसकी एक मूवमेंट देख रहे होंगे, शायद इसकी पूंछ आपको भी दिखाई दे रही होगी। ये इसका मतलब समझ जाइए कि सांप फ़िलहाल बहुत गुस्से में है और हमें एक चेतावनी दे रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा ये बार बार अपनी पूंछ को वाइब्रेशन करके और हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप मुझे छोड़ दो वरना मैं आपको बाइट कर लूँगा, काट लूँगा। ठीक है दोस्तों, इस खूबसूरत से सांप को भी बाहर निकालते हैं और यहीं पर रिलीज भी कर देंगे। और इस सांप के बिल्कुल छोटा ही ये दिखाई देने वाला सांप, काफ़ी लंबा दिखने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलो दोस्त बाहर आ जाओ, मैं आसानी के साथ इसको बाहर निकालूंगा, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। और ये जैसे ही बाहर निकलेगा इधर उधर भगने की कोशिश करेगा। ये देखिए, इसने कुंडली बना ली है और ये अपनी पूँछ को इतनी बारीकी से एक वाइब्रेंट मोड पे ले आते हैं, ये इसकी चेतावनी देने का एक तरीका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी दूर तक हमला कर लेते हैं, कितना शानदार ये सांप है, बहुत ही खूबसूरत सांप ये मखमल के कलर का, और ये मुझे डरा रहा है, काफ़ी गुस्से में है, बहुत डेंजर सांप है ये, हल्का जहरीला सांप है। पहले नवंबर में एक कॉल आई थी हमारे पास, उसके बाद ये पहली बार उस समय हमें रेस्क्यू में आया था, लेकिन अब ये पिछले कुछ दिनों पहले हमने दो सांप एक जगह से कैट स्नेक रेस्क्यू किए थे, और ये सांप देख सकते हैं अपनी लंबाई से करीब 70 फीसदी लंबाई तक हमला कर लेते हैं, और ये पूंछ हिलाकर हमें बार बार चेतावनी दे रहा, और देख सकते हैं ये बाइट करेगा, बाइट हमले के लिए तैयार है ये, और जैसे इसे मौका मिलेगा, ये अभी तो थोड़ा समझ गया है कि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बाइट करने के लिए तैयार है, और ये पूंछ को हिलाने का मतलब ये एक चेतावनी है इसकी
इसका पैटर्न सोइसकल्ड वाइपर से मिलता जुलता है। आज मैंने शूज़ नहीं पहने, थोड़ा डर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज ये मैं अपनी साइड पे था दोस्तों, मैं बिना शूज़ सांपों के रेस्क्यू के लिए नहीं जाता। लेकिन फ़िलहाल आज मैं अपने काम पे था, जो मेरा प्रोफेशनल काम है SS स्टील रेलिंग का, तो मैं बीच में ही अपना काम छोड़कर इसके रेस्क्यू के लिए पहुँच गया था। ये काफ़ी सुंदर सांप है, कुंडली मारकर बैठने के लिए माहिर, और आप देख सकते हैं हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार ये सांप, मौका ही नहीं देते। ये बेवजह हमले के लिए तैयार रहता है। कितना खूबसूरत है ये सांप, आप देख रहे होंगे क्या खूबसूरत सांप है। ऐसे सांपों के साथ काम करते समय बहुत बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। जानकारी के लिए बताते हैं, ये एक इंडियन कैट स्नैक है। ये सोइसकल्ड वाइपर से मिलता जुलता इस एक वाइपर प्रजाति का ही सांप है दोस्तों। सोइसकल्ड से थोड़ा डिफरेंट है इसका पैटर्न, उससे 95% मिलता जुलता है। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, ये थोड़ा पतला होता है, और इसके सर पे जो निशान है सोइसकल्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके सर पे थोड़ा तीर का निशान है, और सोइसकल्ड पे एक अलग सा निशान बना हुआ होता है। सोइसकल्ड थोड़ी मोटाई में ज़्यादा आता है, लेकिन लंबाई में थोड़ा कम होता है। हमले में और कलर में सेम पैटर्न में होता है। ये देखिए, ये सांप पेड़ में भी चढ़ जाता है आसानी के साथ। बढ़िया क्लोजअप मिल रहा होगा इसका। एक खूबसूरत सोइसकल्ड कैट स्नैक है, जो हमला करने के मामले में काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों। ये मौका देखते ही अपने शिकार पर हमला कर देते हैं, और जहाँ से भी इसे जगह मिलती है अपना, ये देखिए बार बार ये हमला के मुद्रा में आ जाते हैं। एस बनाने का मतलब ही यही है कि ये भी हमला करने के लिए अपने पूरी बॉडी पार्ट्स को एक ही जगह एकत्रित कर लेते हैं, और फिर अपने शिकार पर पूरी जान से हमला कर देते हैं। एक तरीके से छोटे जीवों को ये जान से मार देते हैं। छोटे टिड्डी वगैरह इसका मुख्य भोजन है, ये हमारी पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, लगातार हमारे पास कॉल आ रही है, और हम नई नई प्रजातियों से रूबरू हो रहे हैं। ये 10 दिन में पकड़ा गया तीसरा कैट स्नैक है, और अब बहुत तादाद में हमें सांपों के लिए कॉल आने शुरू हो गई हैं दोस्तों। ये सांप बार बार हमला कर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये अभी हमला करने की मुद्रा में है, और ये पूरी तरीके से क्या बात है, बिल्कुल तैयार है कि मैं इस पर कब झपट्टा मार लूँ। ये देखिए दोस्तों, कमाल है। हमारा कैमरा भी इसकी चेहरे को नहीं पकड़ पा रहा है, इस सुंदर सांप को। इसको मेरी स्मेल आ गई है, और ये मेरे कैमरे की तरफ आकर्षित हो रहा है। अभी देख सकते हैं कितना सुंदर सांप है ये। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सांपों के साथ काम करते हुए दोस्तों। वीडियो देखकर कॉपी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सांपों की बहुत सारी प्रजातियां बेहद जहरीली होती हैं। हमारे इंडिया में कुछ सांप इस तरीके के भी पाए जाते हैं, जिनके काटने के कुछ ही समय बाद इंसान अपनी जान गंवा देता है। तो सांपों के साथ काम करते समय हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों। वीडियो देखकर कॉपी बिल्कुल भी ना करें। इस वातावरण में, इस घास फूस में इस तरीके से छुप गया है कि इसे आसानी से देखा भी नहीं जा सकता दोस्तों। ये देखिए मेरे कैमरे की तरफ, ये बार बार पता नहीं से किस चीज़ से गुस्सा है। अभी मैंने इसको एक ठंडी जगह से रेस्क्यू करके एक ड्राई एरिया में रिलीज़ किया है, तो शायद ये मुझ पर गुस्सा है, क्योंकि वहाँ इसकी आराम करने की बहुत ही खूबसूरत जगह थी। आप ठीक से इस सांप को देख भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि इनका इस तरह का छलावरण होता है कि ये कई बार हमें आसपास होते हुए भी नज़र नहीं आते बिना मूवमेंट के। अब ये कहीं यहीं पर कहीं छुप गया है दोस्तों, हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सांप को यहीं रिलीज़ कर देते हैं। ये खूबसूरत सांप एक कैट स्नैक के तौर पे था। हमारा काम, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम इन बेजुबानों के लिए लगातार काम करते रहें।
आपका एक शेयर, आपका एक लाइक इनके जुबानों के कहीं ना कहीं हमारे लिए काम आने वाला है। आप आगे आके, हम ज़्यादा कुछ डोनेशन नहीं मांगते, हम मांगते सोशल मीडिया से आप हमारे वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके इन जीवों की जान बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया से अभी हमें कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन आप चाहें तो बहुत जल्दी हमें सोशल मीडिया से कुछ मिलेगा, ताकि हम इन जीवों के लिए दिल से काम कर सकें। तो आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे आके इन जीवों के लिए काम करें। हम ये नहीं कहते आप हमारे साथ आएँ, आप रेस्क्यू में साथ दें, डोनेशन दें। आप हमारा वीडियो को देखें, अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी जान बचाने में हमें और भी दिलचस्पी रहे। धन्यवाद।